बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैडेट तैयारी कर रहे हैं आप लोग कैडेट एंट्री टेस्ट की। अब कैडेट एंट्री टेस्ट की कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन के तौर पे आप लोगों के सामने आते हैं पेपर के अंदर। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब ये देखिए, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। ये पार्ट मैंने ना मतलब सारे पेपर्स के कम्बिनेशन से निकाले हैं और वो पेपर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कैडेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उस कैडेट की एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम लोग अल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना इस तरह की मेथड की, तो हमें वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप लोग ना फॉलो कीजिए एक टॉपिक को, एक वर्ड को, वो है बोर्ड मास। आप बोर्ड मास को अगर फॉलो करते हो ना, तो बोर्ड मास से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ना, अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व कर दूं, तो पहले पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट 2/3 में सवाल लिख लू, माइनस 3/6 और प्लस 1/3। मुझे सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, यही इसका मेथड है। अब सबसे पहली चीज, और सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, 1/2 एज इट इज, 3 और 6। अगर कटिंग हो रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो काट दो, 1/2 बच जाएगा यहाँ पे। तो 2/3 माइनस 1/2, ठीक हो गया, प्लस 1/3, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और एक चीज का याद रखना है कि ब्रैकेट के बाद ना ऑर्डर हो गया या डिवीजन, तो आपने इसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन के अंदर आप कोशिश किया करें, देखिए ये दो टर्म एग्जिस्ट हो रही है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन खुद ये पूरा क्वेश्चन दो टर्म्स का, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। प्लस माइनस के बाद टर्म चेंज होती है, मल्टीप्लाई के बाद टर्म चेंज नहीं होती। अब 3 और 2 का आपने एलसीएम ले लेना है, 3 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेना, मतलब 3 और 2 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 और 2 एज इट इज, और 2 1 और 1, तो 3 और 2 का एलसीएम जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो हम 6 को क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ठीक हो गया 6। अब ये 6 यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब 3 2 6, तो वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस ये 6 यहाँ पे होनी चाहिए, तो 2 3 6, तो वो 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक हो गया। या ऐसे कह लें कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 2 और 3 1, ठीक हो गया, प्लस 1/3, ठीक हो गया। फिर इसके बाद 1/2 एज इट इज, 2 4 - 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/3, ठीक है। फिर इसके बाद 1/2, 1/6 प्लस 1/3, फिर इसके बाद हमारे पास 1/12 प्लस 1/3, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। सबसे पहले हमने कटिंग की, कटिंग से ये आंसर हमें मिला, ठीक है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 2 का एलसीएम 6 आया, ठीक है, डिनोमिनेटर 6 आया। फिर डिनोमिनेटर को मैच करना था, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों को मैच होने चाहिए, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 2 और 3 3 और प्लस 1/3 एज इट इज। फिर ऊपर वाले में से 4 - 3 आया ना, 3 1 3 2 2 4 4 - 3, तो 1/6 और 1/12 प्लस 1/3। अब 12 और 3 का एलसीएम मिलने में 12 भी होगा, क्योंकि 3 यहां पे आ जाएगा, 2 6 3 2 3 3 और 3 1, ठीक है, 2 2 4 4 3 12, तो इनका 12 आ गया। अब 12 आप यहां लिख लो, और ठीक है, अब ये 12 से कट गया, 1 + 3 4 = 12, यहां पे भी 12 होना चाहिए, तो कितनी, अगर इससे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आए, 3 4 = 12, तो 3 4 = 4, तो वो जो 4 है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। सो एट द एंड फाइनल आंसर इज 1 + 4 / 12, तो इसका एंड द एंड आंसर क्या आ जाएगा, 5/12, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5/12। आप लोगों को मेरा मकसद था सिंप्लीफिकेशन कराना, ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, पार्ट नंबर 2 को, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, दो ब्रैकेट, ठीक है, 8/12 प्लस 3/12 प्लस 1/3 माइनस 1/4। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहां पहले सॉल्व कर लेंगे, इनका एलसीएम सेम हो है, लेकिन कटिंग हो रही है, देखिए ना, 2 4 = 8, 2 4 = 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 3 1 = 3 4, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। अब कटिंग के बाद जो चीज बची वो 2 बचा और डिवाइडेड बाय 3 बचा प्लस, ठीक है, यहां तक समझ आ गई, यहाँ पे 1 बचा और 4 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, ये चीज आ गई, इधर तक समझ आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर आप लोग 3 और 4 का हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 1 = 3 और 4 एज इट इज, फिर 4 1 = 4, तो 3 4 = 12, मतलब यहाँ का एलसीएम भी 12 आ रहा। अब इसको भी 12 बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 12 है, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 = 12, तो मतलब 2 4 = 12, इस तरह भी आप कर सकते हो, प्लस 1 को 3 से कर लो, प्लस इसी तरह 3 4 का एलसीएम 12
तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 को 3 से कर लो, 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, इसके बाद 12 एलसीएम हो गया, 11 माइनस 1 दोनों का एलसीएम सेम था, 10 डिवाइडेड बाय 12 तो 5 और 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 और 6। आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसकी सिंप्लीफिकेशन की। आप लोगों ने ना बच्चे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बोर्ड मार्क्स को ध्यान में रखना है, बोर्ड मार्क्स के तहत आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है कर दो, सिंप्लीफिकेशन हो रही कर दो, फिर आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे आओ, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसका 3 और 4 बचा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ रहा है, और यही 12 फिर यहां पे भी होगा तो नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला है कि बच्चों को बड़ा देर से समझ आता है, हमारे पास जब तक यहाँ 12 ना हो, यहां तक 12 ना हो तो हम ऊपर वालों को नहीं लिख सकते, तो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके ऑपोजिट, तो 3, 4, 12 वो इससे मल्टीप्लाई हुआ, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब बिलफर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि देखें वही चीज आपने इधर भी मल्टीप्लाई करनी है 4z, और वही चीज आपने इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये 3, 4z क्या हो जाएगा 12, तो और ऊपर वाला 4 एज इट इज रहेगा, इसी 4 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना, इसी 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1, 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को तो मैं कहता हूं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि यहीं पे देखो कटिंग हो रही है, इस तरह 2 1s are 2, 2 4s are 8, 7 1s are 7, 7 2s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 9 और 4 का एलसीएम ले लो तो मेरे में 36 आएगा, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी 36 होना चाहिए, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36, और यही 4 फिर ऊपर भी तो ऊपर 16 आ जाएगा, इसी तरह इस 4 को 36 बनाना है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 और 1 9 36, मतलब इन दोनों का एलसीएम बिल्कुल मैच होना चाहिए 36, तो वो हम लोग अपने पास से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 9 16 प्लस 9 क्या बनता है 25 25 डिवाइड बाय 26 36, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने, मेरा मकसद सिर्फ होता है कि आप लोगों को कैलकुलेशन करा सको, ये क्वेश्चन भेजे थे स्टूडेंट ने, ठीक है, मैंने उसके लिए सॉल्व किया, तो आई होप समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।